मलिका एक और साल मरी में बारिश से मौसम मजीद दिलफरेब हो गया। सयाह और मकामी अफराद ईद के दूसरे रोज वादी के खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाजुल हक से। जी इम्तियाजुल हक, बताइएगा इस वक्त मरी में क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह ईद मना रहे हैं? जी ऐसा है कि आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और बारिश का भी सिलसिला आज दूसरे रोज़ जारी है और सूरत हाल ये है कि मुल्क भर से खसूसन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से एक बड़ी तादाद मलका कोसार मरी का रुख किए हुए हैं और ये यहाँ के खूबसूरत मनाजर और हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बड़ी तादाद में आने वाले सयाहों का तलब इस्लामाबाद से भी है, जबकि जैसे कि आपने मैंने बताया है कि मुख्तलिफ दूसरे शहरों से भी बड़ी तादाद में से आए हुए हैं और इस खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ सयाह खड़े हैं जो मरी में तफरी के लिए आए हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो उनकी तफरी कैसे गुजर रही है। जी आप बताइएगा। जी हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं और वहाँ इस वक्त इतनी शदीद गर्मियाँ हैं तो वहाँ क्लाउड्स लेकिन हाउस बनी हुई है, तो जाहिर है सारे लोग फिर इस्लामाबाद से जो है ना वो यहीं का रुख करते हैं। ये मेरी अम्मी है, ये कुहाड़ से आई हैं स्पेशल इसीलिए कि हम जरा इस्लामाबाद से बाहर निकले, मरी आए, यहाँ इंजॉय करें यहाँ के क्लाउड्स, यहाँ का मौसम, यहाँ के नज़ारे, तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, हमारे बच्चे भी बहुत यहाँ इंजॉय करते हैं। शुक्रिया। हम बात करेंगे, आप कहाँ से आएंगे? सियालकोट से। सियालकोट से तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा, बारिश हो रही है, खूब इंजॉय कर रहे हैं। सियालकोट में बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, तो यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। सागर जी, मैं भी सियालकोट से आया हूँ और सियालकोट में तो बड़ी गर्मी थी, हमने इस्लामाबाद और मरी का रुख किया, यहाँ पर तो कुदरत ने भी साथ दिया और काफी बारिश हुई है सुबह, हमने वी एंजॉयड अ लॉट टू बी ऑनेस्टली, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक का निज़ाम काफी जरा जाम था और लेकिन उसमें हमने बहरहाल फिर भी इंजॉय किया। बाकी हम ये चेयर लिफ्ट की तरफ भी गए और बाकी कुदरत जो है ना, जो मौसम जो इतना खूबसूरत है वो आज पहली दफा हमने ऐसा देखा कि यहाँ पर। शुक्रिया। पूरा तो हाल ऐसे है कि सयाहों की बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ पहुंची हुई है, इसके नतीजे में सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है और दबाव बढ़ने के अलावा ये है ट्रैफिक बाज मुकामात पे जाम भी होकर रह गई है, जबकि ट्रैफिक पुलिस भी कम ही देखने में आ रही है। दूसरी जानब सयाहों से इस वक्त एंजॉय करें क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में गर्मी है, तो लोगों को पूरा लुत्फ बनाने के लिए मरी चले गए। आपको लिए चलते हैं कराची और